नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अवर नेचर्स ब्यूटी में। दोस्तों आज मैं आपको अपनी कोलियस प्लांट दिखाने वाली हूँ। छोटा सा मेरा कोलियस का गार्डन बना के रखा हुआ है, उसको मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने कोलियस प्लांट को बना के रखा हुआ है और बचाया हुआ है, नहीं तो बहुत जल्दी ये कोलियस प्लांट ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों कोलियस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बगैर फूलों के भी आपके गार्डन को चार चांद लगा देता है। बस हमें इसकी अच्छी केयर करनी है ताकि ये हमारे गार्डन में लंबे समय तक टिकी रहे। लेकिन दोस्तों यहीं पर कुछ लोगों की समस्या यह होती है कि उनके यहाँ कोलियस का प्लांट टिक नहीं पाता है। और देखिए दोस्तों मेरे पास कैसी कैसी वैरायटी है, ये सब मेरे गार्डन में है कोलियस का पौधा। यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। दोस्तों कोलियस का पौधा जो है बहुत ही सुंदर रहता है हर प्रकार का। ये देखिए मेरा छोटा सा एक पिंचिंग किया हुआ है जो लग गया है मेरा कोलियस, और मैंने सब छोटे छोटे उसमें कैरी बैग में बना के कोलियस का पूरा प्लांट बना के रखा हुआ है। ये अलग टाइप की वैरायटी है मेरे पास। दोस्तों बहुत सारी वैरायटियां हैं कोलियस की, तो मैं एक एक करके आपको वही दिखा रही थी। एक ये है मेरा कोलियस का, ये देखिए बारिश इतनी हो रही है दोस्तों कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तेज कारण देखिए इसके पत्ते भी एक साइड पूरा ख़राब हो गया है। बहुत सुंदर है दोस्तों कोलियस का प्लांट, आप भी अपने गार्डन में ऐड करिए। दोस्तों कोलियस का पौधा जो है बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे पास कोलियस के ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें बिल्कुल, एक मेरा जो ग्रीन वाला दिख रहा होगा आपको, ये इसमें बिल्कुल भी सेडेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये प्योर प्लेन है, ये प्लेन ग्रीन में है कोलियस। दोस्तों कोलियस का पौधा अगर आपके पास है और अगर आपको उसको बचाना है तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपके जो कोलियस का जो प्लांट है उसमें पानी बहुत ज़्यादा रुके ना और बहुत ज़्यादा सूखे ना, वही आपको बस ध्यान देना और कुछ नहीं। उसके बाद अगर आपको अपने कोलियस को बचा के रखना है तो यही सारी बातें हैं आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कि आपको बस चेक करते रहना है कि उसे पानी है कि नहीं है, मिट्टी मॉइस्चर है कि नहीं है। दोनों तरीके से हमारा कोलियस प्लांट जो है दोस्तों ख़राब हो जाता है। ज़्यादा पानी हुआ तो गल के ख़राब हो जाता है, कम पानी हुआ तो पत्ते पीले पड़ के सड़ के झड़ने लग जाते हैं, पूरा पत्ता खाली हो जाता है हमारा, पत्ता गिर गिर के पूरा प्लांट ही खाली कर देता है कोलियस का। तो यही हमारा मेन है कि आपको ध्यान देते रहना है उसको कि उसमें पानी है कि नहीं है। आपको भी समझ में आ जाएगा अगर पानी नहीं रहा तो पूरे पत्ते पीले पड़ के झड़ जाएंगे, और ज़्यादा पानी रहा तो पूरे गल के सड़ जाएंगे। तो दोनों तरीका है दोस्तों, आप देखते रहिए। और उनको हफ्ते में एक दो बार अच्छे से, बारिश के समय में तो चल जाता है लेकिन बारिश नहीं है तो आप दो हफ्ते में दो दिन तो इनको अच्छे से नहला धुला कर पानी का स्प्रे करके ये कर दीजिए, खुश हो जाते हैं सारे पौधे भी गर्मियों में। दोस्तों कोलियस का पौधा बहुत ही नाजुक सा होता है, जो जिनके पास टिक गया तो टिक गया, नहीं टिका तो फिर ख़त्म ही हो जाता है इसका पूरा। और मेरा ये देखिए दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा कोलियस का, ऐसे बहुत ज़्यादा बारिश ही हो रही थी तो मैंने इसका ये बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप नए हैं मेरे वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।